आज पालक पनीर बनाएंगे। पालक पनीर के लिए पालक को अच्छी तरह से धो के ऐसा काट लिया है। पालक इसमें अभी आधा इंच अदरक, ग्रीन मिर्ची, टमाटर, ये तीनों मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। आधा स्पून हल्दी, छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून स्वादानुसार नमक। इसको अभी थोड़ा सा पानी, पानी ज्यादा नहीं डालना है, पालक पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है। इसको अभी गैस पर रखते हैं 10 मिनट के लिए बॉईल होवे। तब तक पनीर को तल लेते हैं। तेल रखा है, पनीर पिटा के, दूध पिटा के काट के लिया है। थोड़ा थोड़ा पनीर इसमें डाल के गैस गर्म होने के बाद स्लो कर लेना। फिर पनीर डाल के इसको बहुत होशियारी से तल लेंगे। थोड़ा लाइट ब्राउन कलर तलेंगे। देखिए तलने से क्या है, उसमें मिक्सअप नहीं होता है, टूटता नहीं है, पनीर स्ट्रांग रहता है। और तू तलने से टेस्ट भी आता है, पनीर को तलने से पनीर में टेस्ट आता है, पालक के साथ खाने में अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा सा इसको तलना होता है। देखिए ऐसा भी मैं निकाल रही हूँ। जो बचा हुआ पनीर है वो भी सब अभी तल के निकाल रही हूँ। अभी पालक पक गया है, इस पालक को मैं फिल्टर कर रही हूँ। फिल्टर किया हुआ पानी फेंकना नहीं है, ऐसे ही रखना है। इसमें फिर से हम डाल सकते हैं, वेस्ट नहीं करना है पानी। अभी इसको ठंडा कर लेते हैं। पालक को ठंडा करके एक मिक्सी जार में डालते हैं। मिक्सी जार में डाल के इसको नाइस मिक्सी कर लेते हैं। देखिए मिक्सी हो गया है, कितना अच्छा ग्रीनरी है। मिक्सी से सारा पालक मिक्सी किया हुआ निकाल के उसी में वो फिल्टर किया हुआ पानी डाल के मैं उसमें डाल दिया है। देखिए पालक गैस पर रख करके पकाते हैं। उसमें मैं अभी पनीर डाल रही हूँ तला हुआ। तो अभी इसको चोंक देते हैं। तेल, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, पनीर डालने के बाद 2 मिनट उसको बॉईल करेंगे। फिर उसमें चोंक डाल रही हूँ। देखिए चोंक डालने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको अभी सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। देखिए पालक पनीर रेडी हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है।